गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आने वाले 8-10 दिनों में आप सीएसईबी का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपका सीएसईबी या सीएसपीडीसीएल का जो आपका सिलेबस है वो 80-20 के रेशियो में डिवाइडेड है। 80 आपका टेक्निकल, वेदर यू आर फ्रॉम सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी ज़्यादा है, और 20 में आपका एक छोटा सा सेक्शन जोड़ा गया है नॉन टेक्निकल का। चीज़ें स्पेसिफाइड हैं काफ़ी कुछ, छत्तीसगढ़ का लगभग पूरा सिलेबस है, क्वालिटी लगभग लगभग है उसमें, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग है। तो इनके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो कि विद इन द लाइन्स आपके सिलेबस में होंगी या जीएस के पार्ट में, जिसको कि कंसिडर किया जा सकता है, और सडनली एग्जामिनर आपको डिपार्टमेंट रिलेटेड पॉलिसीज या आपकी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर ये सवाल उठा सकता है। मेरी समझ में एक ब्रीफ वीडियो मैं इसका बना रहा हूँ, आपको सिंपली इसको केवल सुनते और समझते चले जाना है। और ये जो सेक्शन है लेक्चर का, इसको मैंने 7 बड़े बड़े पॉइंट्स पर डिवाइड कर दिया है और उसी की मैं आपको ब्रीफिंग करता चला जाऊंगा। आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है आप लिख लेंगे, मैं वही पॉइंट डिस्कस करूंगा जो पॉइंट एग्जाम में एग्जामिनर उठा सकता है। उदाहरण के तौर पे मैंने अपने पूरे लेक्चर को के प्रश्नों को या आउटलाइंस को कुछ हिस्सों में बांट लिया। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है सीएसईबी एग्जाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये एक्स फैक्टर वाले टॉपिक हैं जो स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन आपके दोनों के पार्ट में एक डिपार्टमेंटल अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज आपका जैसे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, उसमें करंट अफेयर्स उसमें दिया हुआ है, तो कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो कि आपको डिपार्टमेंट और एग्जीक्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपनीज से रिलेटेड वो प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द ब्रांचेस, सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द ब्रांचेस। टॉपिक नंबर 1, संविधान में ऊर्जा विभाग कहां पर आपको मिलता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का 5 नंबर का सवाल वो आपको पूछेगा, तो संविधान को वो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से रिलेट करके आपको पूछेगा। सेकंड, जब वो संविधान के कंटेक्स्ट में पूछेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में पूछेगा, तो केंद्र और राज्य दोनों के परिप्रेक्ष्य को पूछेगा कि केंद्र में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर दिखता है, राज्य में कहां पर दिखता है, और अगर ये किसी जगह पे है संविधान में तो वो कहां पे है, वो हम लोग देखेंगे अभी। तीसरा, जब हम छत्तीसगढ़ पे आते हैं तो छत्तीसगढ़ में विभागीय पद सोपान, जिसको हम बोलते हैं हायरार्की, कैसी होती है, केंद्र में हायरार्की कैसी होती है, तो केंद्र और राज्य में डिविजन, केंद्र और राज्य के ऊर्जा मंत्री, केंद्र का ऊर्जा मंत्री कौन है, राज्य का ऊर्जा मंत्री कौन है, केंद्र में कैसा विभाग चलता है, उससे हमको विशेष लेना देना नहीं है, लेकिन राज्य में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कैसे परफॉर्म करता है, उसके कौन एमडीज होते हैं, किस तरीके से किस विभाग में किस ऑफिस को कौन लीड करता है, ये हम लोग तीसरे पॉइंट पे समझेंगे, जो कि है आपका विभागीय पद सोपान। चौथा पॉइंट आते हैं संक्षिप्त इतिहास, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पुराना इतिहास क्या क्या आपको बताता है और आपको क्या क्या जानने की आवश्यकता है, केवल उतना ही जानेंगे जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अभी कितना मेगावाट पावर जो है वो जनरेट कर रहा है। ठीक, इसके बाद आते हैं मन में जो डर होगा कि अभी अभी बजट आया है, बजट से रिलेटेड कुछ पावर का पूछ दिया, तो उसके लिए मैंने 6 पॉइंट को एडजस्ट किया है यहाँ पर। बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण में यदि कोई पॉइंट डिस्कस किया गया है तो वो पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से संबंधित या ऊर्जा से संबंधित। ठीक, छठवें के बाद 7 पॉइंट आएगा, दिस इज द 7 पॉइंट। छठवें के बाद 7वां पॉइंट आएगा, एक योजना मैं आपको समझाने जा रहा हूं जिस योजना का नाम है कुसुम योजना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि NCES की तरफ जब हम जा रहे हैं तो सोलर पावर प्लांट्स को घर घर बिठाने की बात की जा रही है, उससे रिलेटेड सोलर पावर पॉलिसी या मोर छत मोर बिजली अभियान, या इसी को बोला जाता है रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट, उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या निर्णय लिया है, कितने प्रतिशत उसमें सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, ऐसे MCQs आपको सडनली उठा सकता है। तो इस लेक्चर के एक एक पॉइंट को, केवल उन्हीं पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे जो पॉइंट आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हायरार्की से। हायरार्की का मतलब होता है पद सोपान, या कहें कि स्ट्रक्चर में कौन कौन है। ठीक, और स्ट्रक्चर से पहले एक बात और हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है वो संविधान और ऊर्जा विभाग, ये हमारा हेडिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन
एंड एनर्जी, एनर्जी तो ऊर्जा एक विभाग है, ठीक। और जब कोई विभाग होता है तो ये विभाग दो जगह हो सकता है, एक यूनियन गवर्नमेंट में हो सकता है और एक स्टेट गवर्नमेंट में हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। भारत के संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी संबंध में कानून बनाने के तीन लिस्ट दिए हैं। एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, एक को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और एक को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक, कॉन्करेंट लिस्ट। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे, क्वेश्चन उठाए कि ऊर्जा विभाग से संबंधित कोई भी प्रोविजन भारत के संविधान में कानून बनाने के अधिकार के दृष्टिकोण से केंद्र सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची, किस सूची के अंतर्गत दिया गया है, तो इसका आंसर है समवर्ती सूची। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट और हिंदी में से बोला जाता है समवर्ती सूची। आप लिखते चले जाना पॉइंट्स को, ठीक। तो ऊर्जा विभाग किस सूची के अंतर्गत आता है या ऊर्जा विभाग से संबंधित जो कानून है वो किस सूची के अंतर्गत बनाए जाते हैं या संविधान में दिया गया है? द आंसर इज समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, पॉइंट नंबर वन। और जैसे ही कोई विषय कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाता है तो भारत के संविधान के जितने शेड्यूल दिए गए हैं उनमें से वो निर्दिष्ट किया जाता है शेड्यूल नंबर 7 के अंतर्गत, जिसमें केंद्र एवं राज्य के संबंधों के बारे में विवरण दिए जाते हैं, ठीक। तो यहां से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बन गए, एक ऊर्जा विभाग से संबंधित कानून कहां पे बनाए जाते हैं या कहां पे संविधान में दिए गए हैं, क्या वो केंद्र सूची में है, क्या वो राज्य सूची में है या वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो आंसर है कि पावर से संबंधित कोई भी कानून जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत निर्दिष्ट होता है। इस पे केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। अगर केंद्र और राज्य ने, दोनों ने एक ही मुद्दे पर कानून बना दिया तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र का जो कानून होता है वो मान्य होता है और राज्य का कानून जो होता है वो खारिज हो जाता है। सेकेंड आते हैं कि शेड्यूल नंबर किस अनुसूची के अंतर्गत, किस अनुसूची के अंतर्गत भारत के संविधान में ऊर्जा विभाग से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, तो इसका आंसर है शेड्यूल नंबर 7। जब कभी भी समवर्ती सूची का कोई विषय होता है तो वो शेड्यूल नंबर 7 के अंतर्गत निर्दिष्ट होता है। यहां से इस पेज में जो बातें लिखी हैं, यहां से दो एमसीक्यूज आपको पूछे जा सकते हैं। क्या पूछा जाएगा ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक। अबाउट द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री के बारे में कुछ कानून के बारे में देखते हैं। अबाउट द मिनिस्ट्री देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ पावर स्टार्टेड फंक्शनिंग, ये सब याद नहीं करना है, जो बोलूंगा जोर दूंगा केवल वही याद करना है। जैसे दो पॉइंट वहां पे जोर दिया था, केवल दो ही पॉइंट काम के हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ पावर स्टार्टेड फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली विद इफेक्ट फ्रॉम 2 जुलाई 1992। अर्लियर इट वॉज नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी सोर्सेज, पहले नाम कुछ और था, 92 से इसका नाम जो है वो बदल करके पावर या मिनिस्ट्री ऑफ पावर हो गया, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट एट द एंट्री लिस्ट, देखिए यहां पर पॉइंट यही बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, इलेक्ट्रिसिटी इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट एट एंट्री 38 इन लिस्ट 3 ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका एंट्री नंबर 38 है इन लिस्ट नंबर 3, इतना जानने की भी आवश्यकता आपको नहीं है। यहां से भी हमको वही दो पॉइंट मिल रहे हैं कि एक कॉन्करेंट मैटर पे आता है और दूसरा 7th शेड्यूल से संबंधित है। द मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब जानने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आपको। एक 1948 वाला कानून था, उसको बाद में देखेंगे। यहां देखिए, हो सकता है इलेक्ट्रिकल वालों से पूछे, द मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 एंड टू अंडरटेकन सच अमेंडमेंट टू दीज एक्ट एज मे बी नेसेसरी फ्रॉम द टाइम टू टाइम, चेंजेबल है, इन कन्फर्मिटी विथ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो यहां से भी हमको कुछ विशेष काम का नहीं मिला। जब भारत का संविधान मिला, बना था, तो 1948 में एक एक्ट बना था, उस एक्ट के बारे में आगे चल करके हम लोग बात करेंगे, ठीक। केंद्र का मंत्रालय है तो केंद्र की हायरार्की होगी, केंद्र में ऊर्जा मंत्रालय है, राज्य में ऊर्जा मंत्रालय है, तो केंद्र का एक ऊर्जा मंत्री होंगे, केंद्र के एक ऊर्जा मंत्री होंगे और राज्य के एक ऊर्जा मंत्री होंगे, और राज्य के ऊर्जा मंत्री और उनके नीचे की हायरार्की से हमको विशेष काम है।
और केंद्र के ऊर्जा मंत्री का नाम आप जाने, अचानक आपको पूछेगा कि यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ इंडिया का पावर मंत्री कौन है, पावर मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर का मतलब हो गया ऊर्जा मंत्री, तो इनका नाम है राजकुमार सिंह, बट बेटर ही इज नोन एज आरके सिंह। ये सेक्रेटरी हुआ करते थे मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में, होम सेक्रेटरी जहां तक मुझे याद आ रहा है, इनका नाम है आरके सिंह। और बेहतर याद करने के लिए इनका मैं इमेज लेकर के आया हूं, ये है आरके सिंह ऊर्जा मंत्री, इसको बेहतर लिखते हैं अपन हम केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, और इनका नाम है आरके सिंह, आरके सिंह। तो अगर आपको प्रश्न पूछे कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है, द आंसर इज आरके सिंह, पीछे लिखा हुआ है देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। केंद्र में एक ऊर्जा मंत्री है, केंद्र का ऊर्जा विभाग है, राज्य का ऊर्जा विभाग है, और राज्य में भी ऊर्जा मंत्री होंगे, ठीक। तो CSPGCL जो एजेंसी हमारी काम करती है, जिस मंत्री के अधीन, उसका एक विभागीय मंत्री होता है, और ये लिख करके रखा हुआ है अलग से, देखिए छत्तीसगढ़ में जो ऊर्जा मंत्रालय है ये मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के अधीन है, मतलब द पोर्टफोलियो ऑफ पावर हैज बीन गिवन टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के ऊर्जा मंत्री कौन है, तो इसका उत्तर होगा श्री विष्णुदेव साय, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं। इनके पोर्टफोलियो में मैं आपको दिखाता हूं, इनका पिछला पोर्टफोलियो लेकर के आया हूं, एक मिनट रुकेंगे, ये देखिए चीफ मिनिस्टर का पोर्टफोलियो देखिए, श्री विष्णुदेव साय, इनके अंतर्गत आने वाले विभागों को पोर्टफोलियो कहा जाता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, आपका खनिज मतलब मिनरल, और ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब होता है एनर्जी, ठीक, एनर्जी। तो छत्तीसगढ़ के ऊर्जा मंत्री कौन है, तो इसका आंसर होगा श्री विष्णुदेव साय। केंद्र का या यूनियन का ऊर्जा मंत्री कौन है, तो उसका आंसर होगा मिस्टर आर के सिंह, ठीक। अब चलते हैं हम CSEB के ब्रीफ इतिहास के ऊपर। जब सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था और भारत को आजादी मिली, भारत की आजादी के बाद जब मध्य प्रदेश भी नहीं बना था, उस समय पे एक एक्ट पास हुआ 1948 में, देखिए यहां पर, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का ओल्डेस्ट एक्ट है ये, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, किसी भी राज्य में बिजली के विभाग के लिए एक बोर्ड का गठन जिस एक्ट के तहत किया जाता है, वॉज फॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 5 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948। तो अब इसको आप याद रखना है, इतने सारे एक्ट्स आए, मैंने आपको याद रखने के लिए नहीं बोला, अभी मैं आपको कह रहा हूं कि किसी भी राज्य का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है सेक्शन 5 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट ऑफ 1948 इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे भी आपको पूछ सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया दोनों मंत्री, पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूं, ये फिफ्थ क्वेश्चन आपका मैं बनाने जा रहा हूं। सिंपली आपको पूछेगा इस एक्ट का नाम देगा और बोलेगा कि किसी भी राज्य के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन करने के लिए जिस एक्ट का निर्माण भारत की संसद ने किया था, ये किस वर्ष पारित किया गया था, द आंसर इज 1948। और आपको पता है भारत का जो पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये भी 1948 में शुरू किया गया था। तो कोई भी उद्योग बिना ऊर्जा के तो चल नहीं सकता, इसलिए आप इसको कोरिलेशन में याद रखें कि जिस साल भारत का फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था, ठीक उसके पहले या उसी समय पहला इलेक्ट्रिसिटी का एक्ट पारित किया गया था, इन 1948। नेम ऑफ द एक्ट इज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट ऑफ 1948, और इसके सेक्शन नंबर 5 के आधार पर किसी भी राज्य में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन किया जा सकता है, सेक्शन नंबर 5, ठीक। चलिए, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वॉज फॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 5 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 एज पर द नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द गजेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ डेटेड 15 नवंबर 2000। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीपी एंड बरार के बनने के बाद मध्य प्रदेश बना, और मध्य प्रदेश के समय हम अपने बोर्ड को MP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नाम से जानते थे, अर्थात मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नाम से जानते थे। राज्य बनने के बाद MPEB
1956 से लेकर के 2000 तक हम इसे एमपीईबी के नाम से जानते थे। 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो इसके 15 दिन के बाद 15 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गजेटियर जो है वो आपका पेश किया जाता है, गजेटियर आता है जिसमें कि लिखा रहता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन कर लिया गया है। यहां से दो सवाल बनते हैं, अगर आपको फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो कि एमपीईबी से सेपरेट होकर के बना वो कब बना, कब नोटिफाई किया गया या कब बना, तो आंसर होगा 15 नवंबर 2000। पर 1 दिसंबर 1/12/2000 एक डेट ये भी दिया हुआ है कि इस दिन से फंक्शन करना चालू हुआ, फुल्ली फंक्शनल कब से हुआ, तो 1/12/2000। मैं आपको डेट दिखाता हूं, देखिए गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, यहां देखिए इन द गजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ डेटेड 15 नवंबर 2000, ये निर्माण हो गया, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बिकेम फंक्शनल, कार्य करना चालू कर दिया, बिकेम फंक्शनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1/12/2000। जनरली एग्जाम में 15 नवंबर का डेट पूछता है लेकिन यहां पर दो डेट हमको मिल गए हैं, बोर्ड के वेबसाइट से ही निकाला है ये, इसलिए आप दोनों डेट को ध्यान रखना, 15 नवंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ दिन के बाद मतलब 15 दिन के बाद 1 दिसंबर आता है तब से वो फुल्ली फंक्शनल हो जाता है। छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इनटू 5 कंपनीज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेंट। अब यहां से एक और कहानी शुरू होती है, राज्य निर्माण से लेकर के काफी दिन तक इसे सीएसईबी के नाम से ही जाना जाता था, उसके बाद छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 5 अलग अलग कंपनीज में बांट दिया गया 2008 के पारित एक्ट के द्वारा जो कि 2009 में लागू हुआ, तो 2008 में सीएसईबी को 5 कंपनीज में बांट दिया गया। देखिए इन कंपनी का नाम लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज बीन रीऑर्गेनाइज्ड इनटू फॉलोइंग कंपनीज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेंट इन द सेक्शन फलाना, हमको याद नहीं रखना, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 बाय द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 2008। तो किस वर्ष छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 5 विंग्स या 5 कमर्शियल कंपनीज में बांट दिया गया, द आंसर इज 2008। ये नोटिफाई किया गया, ये क्या किया गया, नोटिफाई, कब बांट दिया गया, 2008, फंक्शन करना चालू करता है 2009 से, 2009 इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है 2008। अब मैं आता हूं इन कंपनीज के नाम पर, देखिए इन कंपनीज में पहली कंपनी है, ये कॉमन नाम आएगा था छत्तीसगढ़ स्टेट, ये आ गया पावर होल्डिंग, एक कंपनी का नाम आ गया पावर होल्डिंग, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन, दूसरा हो गया जनरेशन, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन, चौथा हो गया आपका, फोर्थ हो गया छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट हो गया आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, लास्ट हो गया आपका पावर ट्रेडिंग। तो दो चीजें सामान्य से अलग निकल करके आई, इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये नेचुरल फिनोमेना है, दो चीजें व्यापारिक दृष्टिकोण से जोड़ी गई थी, एक पावर होल्डिंग, ठीक, एक जोड़ा गया था पावर होल्डिंग, और एक जो लास्ट वाला पॉइंट है दैट इज आपका पावर ट्रेडिंग। 2008 में सीएसईबी को 5 कंपनियों में बांट दिया गया, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये कॉमन चीज है, लेकिन दो चीजें नहीं जोड़ी गई, पावर होल्डिंग एंड दैट इज द पावर ट्रेडिंग, ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू था। काफी समय तक ये चलता रहा, आगे चल करके इसको बंद कर दिया गया या कहें मर्ज कर दिया गया, जो पावर ट्रेडिंग था इस पावर ट्रेडिंग को डिस्ट्रीब्यूशन में मर्ज कर दिया गया, पॉइंट को लिख लेना आप, पावर ट्रेडिंग अब कहां है, ये डिस्ट्रीब्यूशन में मर्ज कर दिया गया है, और पावर होल्डिंग जो है ये आपका ट्रांसमिशन में मर्ज कर दिया गया है। इसका मतलब अब केवल 3 विंग ही बचा जो कि इसका नेचुरल विंग है, एक है जनरेशन, एक है ट्रांसमिशन और एक है डिस्ट्रीब्यूशन। पावर होल्डिंग को मर्ज किया गया है ट्रांसमिशन में, और जो आपका पावर ट्रेडिंग था उसको मर्ज कर दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन में। पूछेगा ये नहीं, लेकिन 2008 में कंपनी का स्ट्रक्चर में 5 कंपनी थी, किस वर्ष इसको 5 कंपनियों में बांट दिया गया था, तो उत्तर है आपका 2008। अब वर्तमान में केवल 3 है, जनरेशन है, ट्रांसमिशन है और डिस्ट्रीब्यूशन है,
जनरेशन है, ट्रांसमिशन है और डिस्ट्रीब्यूशन है। और इस जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन को चलाने के लिए एक पद सोपान है। क्या है पद सोपान? विभागीय मंत्री। विभागीय मंत्री, कभी भी लोकतंत्र में कोई विभाग के दो बड़े चक्के होते हैं, एक मंत्री और दूसरा सचिव, तो यहां पर आ जाएगा विभागीय सचिव। विभागीय सचिव, तो ऊर्जा मंत्रालय जिस मंत्री के अधीन है, आपको पता है कि श्री विष्णुदेव साय, श्री विष्णुदेव साय, और ऊर्जा मंत्रालय के जो सचिव हैं, ऊर्जा मंत्रालय के जो सचिव हैं, ये हैं पी दयानंद, पी दयानंद, पी दयानंद। और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के काम करने का तरीका एक कॉरपोरेट पैटर्न पे है, इसलिए यहां पर सचिव को सचिव ना बोल करके आप डिपार्टमेंटल अगर वेबसाइट में देखेंगे तो पावर सेक्रेटरी तो बोला जाता है, क्योंकि पावर में आपका क्रेडा भी आ जाता है, पावर में आपका एथेनॉल पॉलिसी वाला भी मामला आ जाता है। पर यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो इनको चेयरमैन या सेक्रेटरी जो है, चेयरमैन कहा जाता है, इनको कहा जाता है चेयरमैन। और इनके अलावा अन्य तीन आपका मैनेजिंग डायरेक्टर्स, द वर्ड इज एमडी, मैंने आपको कहा कि ये कॉर्पोरेट पैटर्न पे काम करते हैं, ही इज द चेयरमैन और इनके नीचे ये एमडी, एमडी नंबर वन, नाम याद नहीं रखना, एमडी नंबर टू एंड एमडी नंबर थ्री। अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ हायरार्की, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछता है। इन सब को मिला करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक। अब जब आप ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर्ड सुनते हो तो आपको एक कॉर्पोरेट फीलिंग आता है, इसलिए मैंने आपको कहा कि छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में विभाग के काम करने का तरीका थोड़ा सा कॉर्पोरेट है। इसको वर्टिकल को मैं अगर ऐसा घुमा दूं और इनको टॉप में रखूं, तो एक इमेज मैंने आपके लिए बनाया है कि किस तरीके का पद सोपान, सोपान जो है, कैसी हायरार्की टॉप टू बॉटम फॉलो होती है। ये देखिए, यहां पर पी दयानंद है और तीन एमडीज हैं, ठीक। तो सबसे ऊपर हो गए चेयरमैन, दैट इज आपका पी दयानंद, उसके नीचे एमडी नंबर वन, एमडी नंबर टू, एमडी नंबर थ्री। तो यहां पर आपको तीन एमडीज दिख रहे हैं, एक ट्रांसमिशन के होंगे, एक जनरेशन के होंगे और एक डिस्ट्रीब्यूशन के होंगे, क्योंकि कंपनी जो 2008 में 5 भागों में बांट दी गई थी, अब वहां पे केवल 3 है। तो देखिए CSPTCL मतलब ट्रांसमिशन के एमडी, पीसी आपका CSPDCL मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर, और CSPGCL मतलब जनरेशन के आपका मैनेजिंग डायरेक्टर। इन सब के बोर्ड को मिला करके ये जो स्क्वायर में डाला है, यहाँ पे लिखा है देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर हो गए सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के नीचे हो गए 3 एमडी। तो यहाँ पर जो हमने स्ट्रक्चर बनाया, पी दयानंद के नीचे 3 एमडीज आ जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कंटेक्स्ट में। एमडी नंबर वन जो जनरेशन का देखेगा, देखेंगे एमडी वन, एमडी टू एंड एमडी थ्री, ठीक। अब आते हैं आगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये निर्णय लेगा कि एग्जीक्यूशन किस बात का करना है, और वो निर्देश देंगे नीचे के लोगों को। अब फील्ड शुरू होगा यहां से, और जो पहला निर्देश जिस पदाधिकारी को मिलेगा उसको यहां पर कहा जाता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ईडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो इक्वेलेंट होता है किसी अन्य विभाग के चीफ इंजीनियर के। तो जैसे आप पीडब्ल्यूडी में जो हायरार्की चीफ इंजीनियर की देख रहे हैं, आप जब छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाते हैं तो उनको चीफ इंजीनियर ना बोल करके आप बोला जाएगा ईडी सिविल बोला जाएगा इनको, ठीक। इनके ठीक नीचे आता है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, जो नॉर्मल किसी विभाग की तरह जिस जगह पे बैठते हैं उस जगह को कहा जाता है सर्कल ऑफिस, ठीक। सो दिस इज सर्कल ऑफिस। तो CSEB में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का ऑफिस कौन सा है? द नेम ऑफ द ऑफिस इज सर्कल ऑफिस। CSEB में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ऑफिस का आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो किसी अन्य विभाग के किसके इक्विवेलेंट होता है? द आंसर इज चीफ इंजीनियर। पद सोपान में इसके नीचे भी जाएंगे तो पीडब्ल्यूडी इरिगेशन की तरह ई जो होते हैं वो डिवीजन ऑफिस में बैठते हैं, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस का नाम होता है डिवीजन ऑफिस। इसके नीचे AE आते हैं, AE के ऑफिस को कहा जाता है सब डिवीजन, और AE को जब साइट मिलता है तो उसी को बोला जाता है सब डिविजनल ऑफिसर या SDO। उसके नीचे आते हैं JE,
ठीक, जेई। और जेई का जो ऑफिस होता है या जेई का जो कार्यक्षेत्र होता है, इस कार्यक्षेत्र को कहा जाता है सेक्शन, इसको कहा जाता है सेक्शन। उसके नीचे सिविल स्टाफ या टाइम कीपर होते हैं जो साइट को प्रत्यक्ष देखते हैं, डे टू डे रूटीन को मेंटेन करते हैं, वो जेई को रिपोर्ट करते हैं, जेई एई को रिपोर्ट करते हैं, एई जो है वो ई को रिपोर्ट करते हैं, ई एसई को, एसई जो है ईडी को। तो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ये एक कॉर्पोरेट टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें कि चेयरमैन के नीचे तीन एमडीज हैं, एक जनरेशन के, एक डिस्ट्रीब्यूशन के, एक ट्रांसमिशन के। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो निर्णय लेगा उसको एग्जीक्यूट कराने का काम फील्ड में जहां से होगा, फील्ड का जो पहला सबसे बड़ा ऑफिस है वो ईडी ऑफिस कहलाता है। बीच में एक दो और चीफ इंजीनियर भी रखे जा सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन ये कॉमन जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनता है। एसी के ऑफिस को सर्कल ऑफिस, ई के ऑफिस को डिविजन ऑफिस, एई के ऑफिस को सब डिविजन ऑफिस, और जहां पर जेई का कार्यक्षेत्र होता है इसको सेक्शन कहा जाता है। यहां से सेक्शन, सब डिविजन, डिविजन, सर्कल, ये किसी भी अन्य विभाग और सीएससीबी का एक ही नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके ऊपर का ये जो ऑफिस है जो हम हमारे यहाँ चीफ इंजीनियर का ऑफिस कहलाता है, ये ईडी का ऑफिस कहलाता है। ईडी यहाँ पर क्या है, आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उसके ऊपर जाएंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन होते हैं, तो चेयरमैन और तीन एमडीज, एक एमडी जनरेशन का, एक ट्रांसमिशन का, एक डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक, तो इसको अच्छे से अपने तरीके से आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब होता है स्थापित क्षमता, और स्थापित क्षमता में जब आप बात करेंगे सिंपल वर्ड में, स्थापित क्षमता का मतलब क्या होता है कि CSPGCL आज की डेट पे पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कितना मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है, ये वैल्यू मैं आपको दूंगा। पर वेबसाइट में कहीं कहीं पे मड़वा तेंदू भाटा का 1000 मेगावाट का जिक्र जो है वो छूट गया है, इसलिए अगर आपको कोई और डेटा मिले तो उस डेटा पे मत जाना। मैं आपको जो डेटा बता रहा हूं दैट इज द अपडेटेड डेटा, और ये अपडेटेड डेटा कहता है 2984.70 मेगावाट। अगेन आई विल क्रॉस वेरीफाई दिस, अगेन मैं इस बात को बताऊंगा आपको आगे चल करके। ये सब आपका पावर स्टेशन का नाम दिया हुआ है, मैं नाम एक बार पढ़ देता हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोरबा, जो 2007 में बना था, एस्टैब्लिशमेंट ईयर दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए 2007, इसको थोड़ा जूम और करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2007 में बना है आपका, जितना भी उसका प्रोडक्शन होगा वो आपने पढ़ा होगा मैं ये उम्मीद करता हूँ, इसलिए उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक, हसदेव जेनको, ये 1983 से लेकर के 1986 के बीच में बना, एक पुराना सबस्टेशन है। कोरबा पश्चिम, कोरबा वेस्ट 2013 में बना है, और मड़वा तेंदू भाटा का नाम रखा गया है, पूर्व प्रधानमंत्री जिनको अब मिल चुका है आपका भारत रत्न भी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के ऊपर, ये 2016 में बना है। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यहां से आ रही है 2840। ये कोल बेस्ड पावर प्लांट की हमने बात की, जो कि दो जगह पे सेंट्रिक है, दो जगह पे सेंटर्ड है, स्टेब्लिश्ड है, एक कोरबा में और दूसरा जांजगीर चांपा में। ठीक, जांजगीर चांपा को बनाने वाली जो कंपनी है आपका, उसको भी देखेंगे हम लोग आगे चल करके, एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला हम आते हैं हाइडल पावर कैपेसिटी में, तो हाइडल पावर में मेनी माता हसदेव बांगो का 120 मेगावाट, उसके बाद में जल विद्युत गृह गंगरेल का 10 मेगावाट, लघु जल विद्युत गृह कोरबा वेस्ट का 1.7 है या 7 मेगावाट है, 7 मेगावाट। तो कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो गई 138.7 मेगावाट, टोटल हो गया 2984.70 मेगावाट। अब ये आ रहे हैं हम आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, जो कि अभी अभी प्रस्तुत हुआ है। ठीक, बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण में ऊर्जा विभाग, तो इसका पॉइंट नंबर टू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता राज्य के गठन के समय 1360 मेगावाट थी 1 नवंबर 2000 को। ठीक, अब ये बढ़ करके हो चुकी है आपका 2978.70 मेगावाट। इस डेटा को आपको याद रखना है, पॉइंट नंबर टू पे दिया हुआ है, जो 22 वर्षों में लगातार बढ़ करके 2978.70 मेगावाट हुआ है, जो कि पहले की तुलना में, मतलब राज्य बनने की तुलना में 119% की बढ़ोतरी को दिखाता है। यहाँ पे कितना दिया है 2984.70, और यहाँ पे दिया है 2978.70
7870 मेगावाट। तो इकोनॉमिक सर्वे का ये डेटा आप लेकर के चलिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ योजनाओं की बात हम करते हैं। एक योजना का नाम है कुसुम योजना, इंपॉर्टेंट है कुसुम योजना, KUSUM, कुसुम योजना। कुसुम योजना के बारे में ज्यादा जिक्र आपको, ज्यादा डिटेल कहीं नहीं मिलता, लेकिन एक लाइन में आप यह याद रखिए कि ग्रामीण क्षेत्र में सबस्टेशन बनाने के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जमीन की आवश्यकता है और गांव का कोई व्यक्ति अपना जमीन देना चाहता है तो वो उस अनुबंध को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से करके अपनी इनकम जनरेट कर सकता है। इस योजना का नाम है कुसुम योजना। ठीक, ग्रामीण क्षेत्र में जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना का नाम रखा गया है कुसुम योजना। और सबस्टेशन का जो वो है कंपोनेंट ए, देखिए ये कंपोनेंट सी है, 33 या 11 केवी सबस्टेशन शोइंग अवेलेबल होस्टिंग कैपेसिटी, 33 या 11 केवी का सबस्टेशन को होस्ट करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आपका स्थापित करना। अब मैं आता हूं छत्तीसगढ़ सरकार की सोलर स्कीम के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है सोलर स्कीम, सोलर एनर्जी। ठीक, सोलर एनर्जी इज फॉर्म ऑफ NCES इज अ कंपोनेंट और अ डायमेंशन ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, अ नेवर एंडिंग सोर्स ऑफ एनर्जी, और उसको यूटिलाइज करने का पोटेंशियल भारत में बहुत ज्यादा है क्योंकि सनी डेज हमारे यहाँ 250 से ज्यादा होते हैं। ये ज्योग्राफी का एस्पेक्ट है। भारत सरकार के बाद हम आते हैं छत्तीसगढ़ सरकार पे, और छत्तीसगढ़ सरकार ने डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को अपने छतों पर बिजली का अगर वो प्लांट लगाते हैं, सोलर पावर प्लांट लगाते हैं, तो उसको ऊर्जा विभाग के द्वारा सब्सिडी मुहैया करवाई जा रही है। अब ये आता है क्रेडा के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ आपका रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के अंतर्गत आता है, पर इसका एक लिंक जो है वो आपका दिया हुआ है कहां पर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वेबसाइट में, क्योंकि दोनों के बीच में कोलैबोरेशन है। सिंपली याद रखना कि इसको L1 कहा जाता है, L1 मतलब लेवल 1, पढ़िए इसको। अ सोलर सिस्टम सब्सिडी इन छत्तीसगढ़ इज 40% ऑन द L1 प्राइसेस फॉर 1 kW to 3 सोलर सिस्टम। इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपने रूफ पे, छत पे, ठीक, यदि कोई व्यक्ति अपने छत पे यहां पर सोलर रूफ टॉप से बिजली प्राप्त करना चाहता है और सरकारी सब्सिडी उसके लिए उसको चाहिए, तो 1 kW से लेकर के 3 kW तक का वो अगर एक पावर प्लांट वहां पर लगाता है, सोलर पावर प्लांट लगाता है, तो जितना खर्च आएगा उसका 40% जो है सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा। परंतु इस L1 मतलब लेवल 1 कलेक्शन पे यदि कोई व्यक्ति 3 kW से 10 kW तक का अगर जनरेटिंग स्टेशन अपने छत पे लगाना चाहेगा तो सब्सिडी का वैल्यू घट जाएगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि ये कमर्शियली बिजली को बेच करके अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो यहां पर पर्पस उसका चेंज हो गया, उसको सब्सिडी अब सरकार के द्वारा कम कर दी जाएगी, दैट विल बी ओनली 20%। सिंपल वे में मैं आपको आंसर बता रहा हूं, आपको बोलेगा L1 का मतलब होता है लेवल 1 सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट के लिए यदि कोई व्यक्ति 1 से लेकर के 3 kW तक के पावर प्लांट को एस्टेब्लिश करता है, स्थापित करता है, इंस्टॉल करता है अपने छत पे, तो कितना प्रतिशत सब्सिडी मुहैया सरकार के द्वारा की जाएगी, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा? द आंसर इज 40%, जितना कॉस्ट आएगा उसका, उसका मूल्य भी दिया हुआ है, हमको जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर वह व्यक्ति 3 kW से बड़ा पावर प्लांट लगाना चाहता है, up to 10 kW का लगाना चाहता है, तो उसकी सब्सिडी रिड्यूस हो जाएगी, उसको मिलेगा 20% ऑफ सब्सिडी। इतना कंटेंट हमको कवर करना था, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में अगर वो एक लाइन से बाहर गया तो हो सकता है कि इस तरीके के प्रश्नों को वो उठा सकता है। केवल सुन लीजिएगा, हो सकता है कि आपको काम आ जाए, और लगे कि लिखना है तो कुछ पॉइंट्स जो मैंने ज्यादा बार बार जिनके ऊपर फोकस किया है, जैसे मंत्री का नाम इत्यादि, वैल्यू ऑफ सब्सिडी, कुछ एक्ट, इन सबको आप लिख लीजिएगा, कुल मिलाकर के 10 पॉइंट होंगे, उससे अधिक नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।